दोस्तों, बॉडी बनाने का जुनून रखना अच्छी बात है, लेकिन जब यही जुनून हद की हदों को पार कर जाता है तब इंसान इंसान नहीं रहता है बल्कि एक जानवर का रूप धारण कर लेता है। 24-24 इंच के डोले और 56 इंच की छाती बहुत जल्दी बनाने के पीछे की काली सच्चाई क्या है, इस बात का शायद बहुत कम लोगों को अंदाजा होगा। आजकल की युवा पीढ़ी जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में एनाबॉलिक का कुछ ज़्यादा यूज करने लगे हैं, जिसका दुष्परिणाम बहुत ही खतरनाक है। मान लिया जाए आज आपने स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया, आपकी ताकत बढ़ गई, आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ गई, आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पर चला गया, और ये सब एक्टिविटी जब आपके शरीर में होने लगती है तब आप बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करने लग जाते हैं। जो मसल्स 3 दिन में रिकवर होती है उसमें अब 1 दिन का ही समय लगता है। और दोस्तों, 2 से 3 महीने में आपकी एक मस्कुलर बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे देखकर सब लोग आपकी तारीफें करते हैं। और जब चारों तरफ से आपको बहुत सारी तारीफें मिलती हैं तब आपका कॉन्फिडेंस आसमान की बुलंदियों पर होता है। अब आसमान की बुलंदियों को तो आपने छू लिया, लेकिन मेरे भाई अब आपको आसमान से नीचे भी उतरना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी दुखदायी साबित होने वाला है। यानी दोस्तों, जैसे ही आप एनाबॉलिक को लेना बंद करेंगे तो आपने जो बॉडी बनाई है वो कहाँ गुम हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा एनाबॉलिक का यूज करेंगे, एक ना एक दिन तो आपको इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप इनको लेना बंद कर दोगे तब आपकी बॉडी पहले से भी गई गुजरी हो जाएगी, और ये सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल पहले से बहुत कम हो जाएगा और आपको पोस्ट साइकिल थेरेपी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके लीवर किडनी भी खतरे में आ सकते हैं। दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदरूनी हिस्से हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य काम हमारे लीवर और किडनी का होता है। हमारा लीवर हमारी बॉडी में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। वहीं हमारी किडनी एक फिल्टर सिस्टम है। किडनी हमारे अंदर के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। दोस्तों, किडनी और लीवर का डैमेज होना स्टेरॉयड का सबसे पहला और मुख्य साइड इफेक्ट है। इसके अलावा स्टेरॉयड की ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से हमारी बॉडी में हार्मोन डिसऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, आप एनाबॉलिक का इस्तेमाल ना करें, जानवरों वाले इंजेक्शन को अपने शरीर में ना लगवाएं तो बेहतर रहेगा। आप नेचुरल रहें, अच्छा वर्कआउट करें, अपनी डाइट सही रखें। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन नेचुरल भी बहुत अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है। दोस्तों, मेरे पास आए दिन लड़कों के मैसेज आते रहते हैं कि सर, मैं कौन सा टैबलेट लूँ, कौन सा इंजेक्शन यूज करना चाहिए जिससे कि बॉडी जल्दी बन जाए। तो आज का ये वीडियो एक मैसेज था उन भाइयों के लिए जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। भाई, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, आप नेचुरल रहें तो आपके लिए सही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें। हेल्थ से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।